पब्लिक वीडियो वीडियो बना रही है खड़े हो गए, तो पता नहीं क्या सीन है। क्या हुआ भैया? पहली फुर्सत में कल्टी भाई, बहुत डेंजर प्लेस से लग रहा है, नाके पे ठोक के निकल गया कोई। Hey guys, good morning from Omkareshwar Temple and welcome back to the another video. So, कल मैंने दर्शन यहाँ पे कर लिए थे, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा है। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो है राजस्थान में। सो कुछ डिस्टेंस है 730 किलोमीटर्स, जो यहाँ से कुछ अप्रॉक्स 14 घंटे बता रहा है ATM। अभी मैं भी थोड़ा लेट हो चुका हूँ, 7:30 हो रहा है अभी। 7:30 अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो लेट्स सी कुछ 9 बजे के आसपास का ATM, तो डिस्टेंस ऑन द वे कवर करेंगे अच्छा खासा। और ज़्यादा ब्रेक तो आज होना नहीं है, जो भी मैंडेटरी ब्रेक है सिर्फ वही लेंगे, और उसके बाद फटफट ट्राई करेंगे आज भरतपुर सेंचुरी डे लाइट में पहुंच पाऊँ। तो लेट्स सी, अभी मैंने माउंट वगैरह कर लिया, यहाँ पे मैं रुका था। तो अभी क्विकली यहाँ से निकलता हूँ और आपको ऑन द वे मिलता हूँ डायरेक्टली। ओके, पहले इस गली से नीचे उतारते हैं। टाइम हो रहा है 7:34, और अगर ETA के हिसाब से देखो तो मैं पहुंचूंगा 9:30, क्योंकि 14 घंटे का ETA है। और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा आज, हालांकि मैंने सोचा था कि 6 बजे से पहले कैसे भी मुझे पहुंचना है, लेकिन 6 बजे का ETA पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करूंगा 7 बजे तक तो पहुंच ही जाऊँ। अभी यहां से मैप ऑन कर देता हूं, क्योंकि यहां से जो रास्ता है वो देखना पड़ेगा अपने को। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश। 7:21 किलोमीटर्स, 13 hours 15 minutes, मतलब 8:39 के आसपास। फ्यूल रेंज 370 का है, तो एटलीस्ट 250 किलोमीटर तक मैं कहीं रुकूंगा नहीं। और बस ऑल सेट, क्योंकि मेरा नींद कल रात को बहुत लेट हो गया मुझे सोते हुए, और एक रील एडिट कर रहा था, और उस रील एडिट के चक्कर में 12:30 बज गए मुझे सोते सोते, और सुबह उठने में थोड़ी हुई तकलीफ़, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। एक घंटा लेट जाओ लेकिन नींद पूरी करके जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑन द वे नींद आती है ना, मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हुआ है। मेजरली जब स्पीति जाते वक्त एक बार हुआ था, बहुत मेजर था वो, क्योंकि जब आप बाइक चला रहे हो ना, तो 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी आँख एकदम कुछ सेकेंड्स के लिए बंद हो गई, और बाइक पर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मैं लकी रहा वो टाइम पर कि कुछ हुआ नहीं, एक सेकंड के लिए भी बंद हो ना आँख, मतलब भाई, तो मैं जब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, एक सेकंड के लिए आँख बंद हुई, मैं तुरंत बाइक साइड में लगा रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, मुँह धो रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ी देर रुकने के बाद। तो एग्जिट ले लिया ओंकारेश्वर टेम्पल से। हाँ, तो कल का दर्शन तो बहुत ही अच्छा था, और बिल्कुल भी रश नहीं था, लकी था मैं। क्या रोड और क्या वेदर है, इतना फ्रेश फील होता है ना मॉर्निंग में यार, कहीं से भी राइड के लिए निकलो, और स्पेशली आप गाँव से होते हुए निकलते हो ना मॉर्निंग में, तो क्या अलग ही फीलिंग होती है भाई, बहुत ही, मतलब फेस पे स्माइल रहती है कंटिन्यूसली। यहाँ से राइट, ब्रेकफास्ट अभी यहाँ से कहीं नहीं करता हूँ, आगे थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद करते हैं, 100-150 किलोमीटर के बाद। नर्मदा रिवर का अर्ली मॉर्निंग व्यू, मंदिर किस तरफ था यार, वैसा पीछे से घूमते हुए आई थिंक वो जो राइट में रास्ता जा रहा है ना, राइट में एक रास्ता जा रहा है, मे भी शायद उस तरफ मंदिर है, क्योंकि मैं उसी तरफ से आ रहा हूँ।
यहाँ पे लोगों ने पूजा किया हुआ है ब्रिज के, मतलब दिया बत्ती वगैरह अगरबत्ती वगैरह चल रही है वहाँ पे। इतना खूबसूरत मॉर्निंग है आज का, एकदम गांव से होते हुए गुजर रहा हूँ। आते वक्त किसी और रूट से आया था मैं, अभी ऑपोजिट लेन से जा रहा हूँ उज्जैन की तरफ, और ऐसे ऐसे स्टनिंग व्यूज मिल रहे हैं ना ऑन द वे, और गोल्डन लाइट्स के साथ तो भाई और ही एपिक। अब वहाँ पे रुकूंगा कल और परसों, मतलब आज है 15th, 16th एंड 17th, और उसके बाद वहाँ से कहाँ जाना है 18th को, ये 2 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे। तो ये 2 दिन में इसीलिए क्योंकि मेरे माइंड में 3 चीज़ें, विंटर कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट या तो विंटर स्पीति। मेरा दिल है विंटर कश्मीर पे फिलहाल। ओके, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था, वहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। 1-2 दिन और लेता हूँ, टाइम है मेरे पास, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि कहाँ जाना चाहिए। मतलब वेदर फोरकास्ट भी देख लूँगा दोनों लोकेशंस के, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो अभी जहाँ है वहाँ के मज़े लेते हैं, आज का राइड और नेक्स्ट 2 डेज जंगल। गेट में है IIT इंदौर, वहाँ पे IIT इंदौर का मेन गेट था, मेन गेट था कि पीछे का गेट है पता नहीं। तो अपन पहुँच चुके हैं इंदौर में, वाह प्रॉपर इंदौर सिटी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है आई थिंक, IIT थोड़ी बाहर की तरफ है। ये एक्चुअली उज्जैन सिटी के अंदर से नहीं लेके जा रहा है, वो दूसरा रूट लेके जा रहा है, तो वो टेम्पल तो अपने को नहीं देखने मिलेगा। इंदौर क्रॉस कर दिया अपन ने, देवास करके एक प्लेस आएगा अभी यहाँ पे, फिर उसके बाद है सरजापुर, शाहजहाँपुर। तो उज्जैन के लिए यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अंदर की तरफ है, और अपने को जाना है स्ट्रेट हर हर महादेव। निकलता हूँ आगे, इंदौर गया पीछे, देवास एक्चुअली एंटर कर चुका हूँ मैं, उज्जैन के लिए अगेन लेफ्ट। इतना जोरों का भूख लग रहा है ना अभी, मतलब ब्रेकफास्ट तो ठीक है लेकिन चाय चाहिए मुझे कहीं पे यार, और अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं जहाँ पे रुको और चाय पीऊँ। फूड जोन दिखा बाबा, फूड जोन दिखा, खा लो इधर ही रुक के। हाँ भाई फटाफट खाते और आगे निकलते हैं। ब्रेकफास्ट सिर्फ चाय पिया, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बंद था तो नो लक, ठीक है चाय पी लिया फिलहाल, और अभी जा रहा हूँ आगे बढ़ता हूँ। और सीन ये है कि थोड़ा टाइम ले लिया मैंने यहाँ पे रील अपलोड करने के लिए, तो रील तो अपलोड हो गया। अभी आज पहला मिनी ब्लॉग डाला है मैंने, मिनी ब्लॉग अटेम्प्ट किया था कल रात में, और आई थिंक बेटर बना है, थोड़ा बहुत पंच भी मारा उसके अंदर छोटे मोटे। तो ओमकारेश्वर वाला एक D1 ओमकारेश्वर टेम्पल वाला मेरी ब्लॉग है, तो देख के बताना कैसा लगा कमेंट में, या वहीं के कमेंट में इंस्टाग्राम पे, ये इंस्टाग्राम आईडी एंड डू फॉलो। आगे बढ़ता हूँ। फ्यूल अप कर लेते हैं यहाँ पे, सुसु भी लग गई भाई। तो भाई थोड़ा टायर की हवा बहुत कम हो गई थी यार, तो अभी तो इन्फ्लेट किया पेट्रोल पम्प पे। टाइम हो रहा है 12:30 बाय द वे, और 480 किलोमीटर्स टू गो, लास्ट 150 किलोमीटर्स। इतना अमेजिंग हाईवे है कसम से, ये अंदर का जो MP से होते हुए जा रहा राजस्थान, सुपर हाईवे, सुपर 2 लेन हाईवे, बीच में 3 लेन भी मिला था, लेकिन ये हाईवे पे 90 to 110 का जो एवरेज स्पीड है वो मेंटेन रह पा रहा है। पूरा खाली है, ऐसा लग रहा है मेरा प्राइवेट हाईवे अभी ये निकल रहा है। और यहाँ से 25 किलोमीटर को शिवपुरी के लिए, एक्चुअली ये रूट और एक ग्वालियर का रूट मैं फॉलो कर रहा था, शिवपुरी तो गया पीछे,
शिवपुरी के आगे अभी ये बाईपास है जो ग्वालियर जा रहा है, तो ग्वालियर से और आगे जाना अपने को वैसे, लेकिन हाँ ग्वालियर तक तो यही रास्ता है। बस 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 हाँ वो रोड है बीच में वैसे ही रहेगा। तो अभी मैं हूँ ग्वालियर में और यहाँ से और 3 घंटे 20 मिनट्स बता रहा डिस्टेंस 159 किलोमीटर्स। जहाँ में भाई किधर जाओ लग गए अपने, तो भाई आगे से लेफ्ट लेना अपने को, लेफ्ट में पूरा जाम दिख रहा, आगे भी नहीं। पब्लिक वीडियो बना रही है खड़े हो गए, तो पता नहीं क्या सीन है। क्या हुआ है भैया, मर्डर हुआ है? ओह शिट, किसी ने गनशॉट करके यहाँ से भाग गया है। अभी एक अंकल को पूछा मैंने, उन्होंने बोला कि गनशॉट मर्डर हुआ है यहाँ पे, इसलिए पूरा जाम लग गया है। शिट, गन से डाल के निकल गया है। मुंबई मुंबई पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से भाई। हाँ हाँ विजय संग्राल फॉलो करना भाई, पहली फुर्सत में कल्टी भाई। बहुत डेंजर प्लेस से लग रहा है ये, खुलेआम चौराहा था वो, नाके पे ठोक के निकल गया कोई। शिट, वही मैं बोलूँ इतना ज़्यादा जाम, रास्ता ही बंद है। अभी लेफ्ट से एक रास्ता खुला तो वहाँ से मेरे को तो लेफ्ट ही जाना था, राइट में उन लोगों ने पूरा ब्लॉक करके रखा था। यहाँ पे जिससे भी इंटरेक्शन होगा बहुत इज्जत से बात करूँगा भाई, पता नहीं किस किस के जेब में कट्टा पड़ा हुआ है, यू नेवर नो। लेकिन नॉट अ जोक यार वो, तो वहाँ पे जिस अंकल को पूछा मैंने क्या हुआ है, वो उन्होंने इतना कैजुअली बोला आके मर्डर हुआ है, सुन के मुझे लगा कि जैसे मतलब यहाँ पे हर एक आध दिन में एक दो होता रहता है यहाँ पे। भाई MP में हूँ मैं, मतलब ऐसा होता नहीं होगा लेकिन बहुत कैजुअल थे वहाँ कनेक्ट। अब गूगल मोशन ने डाल दिया अपने को किसी गांव के अंदर वाले रास्ते में, तो नज़ारे लेते लेते चलते हैं। मेरी तो फट रही है अभी भाई वो न्यूज़ सुन के, ग्वालियर एक्चुअली है। देखो भाई ने लिखा है कृपया पुनः पधारें, क्या पागल कुत्ते ने काटा है पुनः पधारने के लिए। 1200 किलोमीटर्स कंप्लीटेड अभी तक का, हाईवे पे हूँ और एक माँ अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही है, गाड़ी देख के भी घुस गई अंदर। उन्होंने मुझे देखा स्पीड में हूँ, इसके बावजूद भी हाफ पे आ चुकी है और चले जा रही है। कंटिन्यूस राइड हो गया अभी शायद 400 किलोमीटर्स का, सिर्फ फ्यूल के लिए रुका हुआ था और अभी यहाँ से और 2 घंटे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, 2 घंटे और हैं, 7:30 हो जाएगा मुझे पहुँचते। तो मैं सोचा जाते थे कम से कम चाय पीते हुए निकलता हूँ। बाइक यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रुक गया और अभी ऑन द वे भाई साहब एक मर्डर, और मेरे बाइक के सामने एक औरत और एक बच्ची ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी के सामने हाईवे पे, और वो लोग मुझे देख के पता नहीं उनको गाड़ी देखी नहीं देखी, लोग ऑलरेडी रोड पे आ चुके हैं और मैं स्पीड में था, मतलब बहुत मैंने ऐसा कंट्रोल किया है मेरी बाइक को, पता नहीं बहुत बहुत बेकार कंट्रोल किया मैंने बाइक को, और जस्ट उनके पास आके बाइक रुक गई, और नसीब के मेरे पीछे कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, बहुत मेरा नसीब और वो बच्चों का और वो माँ और बच्चे का भी नसीब कि मेरे सामने कोई उनके मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। नहीं तो मैं तो कंट्रोल कर लिया, पीछे वाले ने कंट्रोल किया नहीं किया, कर पाता पता नहीं। तो ठीक है अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अंधेरे में ज़्यादा राइड नहीं करना है क्योंकि ये मेरे को प्लेस भी ठीक नहीं लग रहा है, तो फिलहाल चाय पीता हूँ और आगे निकलता हूँ और आगे मिलता हूँ आपको।
ट्रक वाले ने पीछे ट्रक बीच में खड़ा करके छोड़ दिया था, सिगरेट लेना था इसीलिए, और पीछे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। थक लाइफ। टाइम 7:40 और मैं पहुंच चुका हूं होटल। Here is the bike. चेक इन कर लिया है, बस लगेज अंदर ले जा रहा हूँ, फ्रेश व्रेश होता हूँ, फ्रेश होके मिलता हूँ। और अभी फिलहाल हो गया, अभी कुछ है नहीं, ये हाईवे के जस्ट पास में ही है यार। रूट बहुत प्यारा था और आज का डे लास्ट के कुछ घंटे बहुत डरावने थे। उसके अलावा बाकी एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। बैग बाकी के जो है इसी पे रहने देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बैग जो ऊपर लेके जा रहा हूँ, अभी जाके फ्रेश हो लेता हूँ, ना दो के आपको वापस मिलता हूँ। तो आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड। बहुत ही टायरिंग था, लास्ट के कुछ घंटे डेंजरस भी थे। ओके सो अभी के लिए करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अभी के लिए गुड नाइट और बाकी मिलते हैं कल मॉर्निंग।